मध्य प्रदेश के बैतूल में कंगना रनौत की फिल्म की शूटिंग पर बवाल जारी है। शूटिंग रोकने पहुंचे कांग्रेसियों ने जमकर बवाल काटा और उग्र कांग्रेसियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कंगना रनौत की फिल्म की शूटिंग का विरोध कर रहे कांग्रेसियों पर शनिवार की शाम पुलिस ने फिर लाठियां भांजी। इससे पहले शुक्रवार को भी शूटिंग रोकने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रशासन का आरोप है कि पहले तो कांग्रेसियों ने बिना अनुमति ट्रैक्टर रैली निकाली और फिर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर शूटिंग स्थल पर घुसने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो कांग्रेसियों ने पथराव कर दिया। कांग्रेसियों की पत्थरबाजी में शाहपुर एसडीएम अनिल सोनी के हाथ में चोट भी लग गई, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेसियों पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और घंटों तक पुलिस और कांग्रेसियों के बीच संघर्ष होता रहा। इस देश का किसान जिसको एक महिला आतंकवादी बोल रही है, हमारे देश का किसान अन्नदाता होता है, वो महिला को प्रदेश का शासन कॉर्पोरेट भिक्षा के देता है, उसको शूटिंग करने देता है, जिस देश के किसानों का अपमान होता है उसके लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो अगर हमको गिरफ्तार भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आज हमारे कम से कम 100-150 ट्रैक्टर है, आप लोग खुद गवाह हो कि प्रशासन ने चिचोली से आने वाले ट्रैक्टर को रोका, प्रशासन ने बैतूल से आने वाले ट्रैक्टर को रोका और प्रशासन ने सारनी में हम लोगों को झूठ बोल बोल के कि 5 ट्रैक्टर यहाँ तक ले जाओ, 2 ट्रैक्टर ले जाओ, घोड़ा डोंगरी में हमारे ट्रैक्टर रोका, प्रशासन उसके लिए लाल कारपेट बिछा रहा है, बहुत शर्म की बात है। पुलिस की माने तो शूटिंग का विरोध करने पहुँचे कांग्रेसियों ने न केवल पथराव किया बल्कि पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की। बहुत समझाने के बाद वो नहीं समझे और पीछे से पथराव करने लगे, ट्रैक्टर जो है बैरिकेड में मार दिए, जिससे कि हमारा वो रिप्रोटेक्शन फोर्स का जो ट्रक है उसमें टक्कर भी लगी है और इनके द्वारा गति से पुलिस वालों की ओर ट्रैक्टर ले जाके चढ़ाने की कोशिश की और पथराव जो हुआ है पीछे से उसमें हल्की सी चोट मुझे भी आई है। अब क्या कर रहे हैं सर? अब इसमें जो भी है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम कार्यालय जो सारणी है उनके द्वारा या तहसील के द्वारा ये ट्रैक्टर रैली की परमिशन नहीं दी गई थी, तो ट्रैक्टर्स के लिए हम लोगों ने जो वहाँ पर है उन लोगों को समझाइश के लिए कहा था कि आप ट्रैक्टर्स से रैली अलाउ नहीं है, तो ट्रैक्टर आप पार्क करके आगे बढ़ें। 3-4 घंटे कंटिन्यूसली हम लोगों ने इनको समझाइश दी और उसके उपरांत भी इनके द्वारा ट्रैक्टर्स को जबरदस्ती जो पहले जो पॉइंट बना था वहाँ से भी ये लोग नहीं माने और आगे तक लेकर आए और आगे भी लाने के बाद इनके द्वारा नहीं माना गया और अंतिम रूप से सबसे पहले इन्होंने पत्थर फेंकना शुरू करे, पानी के पाउचेस फेंकना शुरू करे, फिर पत्थर फेंकना शुरू किए और उसके बाद जो बल लगा था उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जिसमें हमारा एक सिपाही भी घायल हुआ। दिल्ली में आंदोलन कर किसानों को लेकर की गई कंगना की विवादास्पद टिप्पणी के बाद कांग्रेसियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और वे कंगना की फिल्म की शूटिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि प्रशासन शांतिपूर्वक शूटिंग संपन्न कराने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा है। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।